बस अभी मैंने उसको मेडिसिन खिलाई है और मेडिसिन पीने के बाद थोड़ी देर से वो खेलने लग गया क्योंकि फीवर उसका कम हो गया सीले, और उसके मुंह में पूरा छाले आ चुके हैं जो बुखार से आता है ना वैसा वाला हो गया है इसको। तो मुझे थोड़ा टेंशन भी हो रहा है और कल लास्ट दिन है कि मुझे जाना है, उसके बाद मेरा ऑफ है तो थोड़ा टेंशन कम है, पर फिर भी यस ब्लैक शीप ना। तो यहाँ टीवी पे उसका कार्टून चल रहा है और जो चलता है तो उसी को देख देख के बैठते हैं। व्हाट देख देख से बाय उनु गिव मी अब्बा ना यस बेबी नो डोंट टच भाई। आप उस पे बैठो बोल रहा है वो, आप साइकिल चलाओ बोल रहा है वो। भाई को होमवर्क करने दो फिर भाई साइकिल चलाएंगे। ओके बाय बाय ये क्या देखो हस्बैंड जो है होमवर्क कर रहा है अपना, और उसका टू बुक्स में होमवर्क है, एक ये है EIT लिखना है और इसमें कलर करना है, और दूसरा है उसका बुक जो इसमें इंग्लिश है, तो रोज़ उसको दो बुक्स में होमवर्क मिलता है। तो यहाँ बैठ के, और आज उन्हें इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो टीवी भी ऑन है जब होमवर्क कर रहा है। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली क्या हो गया है ना कि जैसे ही मैं आई हूँ वैसे ही मुझे पता चला कि हुमैन की तबीयत ख़राब है। तो उसको फीवर था और कोल्ड कफ बहुत हो रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, बट कभी ठीक होता है कभी नहीं होता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए बट मुझे आज एक जगह काम से भी जाना था, वो भी इम्पोर्टेंट था, तो फिर मैं वहाँ पर भी गई थी। जैसे मैंने उसको लिया तो उसको बाहर जाना का था, उस अभी भी मुझे सता रहा है। अभी थोड़ा फीवर कम हुआ है क्योंकि मैंने आते साथ इसको मेडिसिन दे दी थी, वरना बहुत रो रहा था बिल्कुल भी, वो घर पे आने नहीं मांग रहा था, उसको अजीब सा फील हो रहा था। आई थिंक सो जैसे फीवर होता है तो और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते। तो गुड थिंग ये है कि मुझे कल एक दिन जाना है, उसके बाद फिर मेरा ऑफ है तो मैं अच्छे से टेक केयर कर सकती हूँ। मुझे भी ज़्यादा फील नहीं होगा कि नहीं मेरा बच्चा बीमार है और मैं काम पर जा रही हूँ, थोड़ा होता है ऐसे फील। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। तो अभी मैंने फीवर की दवाई दी, आप लोग दुआ करिए कि ठीक हो जाए। और अब तो खेल रहा है, अब तक कुछ खाने के लिए नहीं बनाया है मैंने। मैंने अभी मैं गई थी बाहर ना, तो वहाँ से आते आते सैंडविच ले लिया था जिसमें से एक मैंने खा ली थी क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, और एक रखा हुआ है हसनैन के लिए, बट हसनैन खा रहा नहीं, अभी होमवर्क कर रहा है जो कि आप लोगों ने देख लिया है अभी। जो तो बस आज के लिए इतना ही, और जितना हो सकेगा मैं ब्लॉग बनाऊंगी आई थिंक। तो मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल का जो खाना है वो रखा हुआ है, तो वो चल जाएगा। अम्मी मैंने सैंडविच खाया तो मैं भी रात में कुछ नहीं खाऊंगी हसन के लिए भी। हाँ, बट मैंने ये गुलाब जामुन लेकर आई हूँ वहाँ से जहाँ से मैंने सैंडविच लेकर आई थी, तो ये डाउन टाउन में गुलाब जामुन मिलता है। इसमें इंग्रेडिएंट सब लिखा हुआ है कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स है क्या है, सब कुछ है, पर मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, देखते टेस्ट करके कैसा लगता है। आई होप अच्छा ही होगा, बट ठीक है, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, फिर भी कभी कभी चलता है ना टेस्ट करने के लिए, तो इसीलिए मैं लेकर आई थी।
और बाकी बातें आपसे बात होती रहेगी। क्या जोड़ो? तो हुनैन ने जो है अपना कार है बैट पे लेकर आ गया, वो भी आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही करता है कुछ चीज़। ये देखिए देखिए, कार बैट पे लेकर आ गया अपनी। हुनैन, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग बेबी? हाँ, क्या कर रहे हो आप? हुनैन, तो इतना घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट इतनी स्पेस है कि बच्चे खेल सके। फिर भी ये लोग ऊपर ही बैठ के खेलते, क्योंकि मैं ऊपर ही रहती हूँ, तो इसीलिए मेरा काम अब मैं देख मुझे जाके दूध गर्म करना है हुनैन के लिए, और खाने का देखना है क्या है क्या नहीं है, किचन को थोड़ा सेट करना है, बस इतना ही काम है आज मेरे लिए। तो आपको दिखाते जाती हूँ साथ साथ कि मैं कैसे क्या करूँगी आगे आगे, मुझे भी कुछ पता नहीं अब मैं आगे क्या करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़े टाइम के बाद। तो ऑल ऑफ सडन मेरा प्लान बन गया है कि मैं हुनैन को लेके बाहर जाऊँगी, क्योंकि हुनैन जो है सता रहा था बहुत ज़्यादा, और उसको बाहर जाने का था, बार बार बोले मम्मा बाबा बाबा, तो थोड़ी बातें बच्चों की सुन लेनी चाहिए। एक्चुअली हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड, बट कुछ और मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मुझे उसको लेके बाहर जाना ही पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो बस मैं अभी निकल रही हूँ, कहीं नहीं, बस यहाँ पर आसपास, या तो ग्राउंड में या तो कहीं आसपास ही जाके उसको राउंड लेकर आ जाऊँगी। थोड़ा और इस दिन का अभी तक होमवर्क नहीं हुआ है, आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो उसका होमवर्क अब तक नहीं हुआ है, तो शायद उसने नहीं आएगा, देखते हैं, लेट्स सी। अगर उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो वो नहीं आएगा, अगर कर लिया तो फिर हो सकता है आ जाए। हसन, कर लोगे आप फिनिश? हाँ, हुनैन तो रेडी है, पूरा रेडी है हुनैन, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ हुनैन को भी। यहाँ जो है हुनैन रेडी है। हुनैन, आर यू रेडी? यू आर कमिंग? वो मेरा टीचर। वी आर गोइंग बाबा? मम्मा ऐसे मेरे लिए हुनु राइट फास्ट। मुझे चाहिए वो। हुनु, हुनु बेबी, उन्होंने शूज भी पहन लिया है ना? उन्हों बाबा जा रहा है ना? उन्हों लेट्स गो, कम से बा से बाय टू भाई, बाय बाय कर दो भाई को, भाई को बोलो बाय बाय। तो उन्हें रेडी है जाने के लिए, रुक जाओ, भाई को भी, भाई को होमवर्क हो गया क्या? पूछो पूछो, भाई को होमवर्क हो गया क्या? तो बस अब हम निकल रहे हैं, और कुछ दिखाने के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि मैं कहीं पार्क नहीं जा रही, पार्क भी बहुत दूर है हम लोग से, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, तो बस यहीं पर नीचे लेके जाऊँगी, अंधेरा होगा, दिखा भी नहीं सकती। कोशिश करूँगी थोड़ा सा वीडियो बनाने की, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं बना पाऊँगी, देखते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर से, और अगर नहीं मिल पाई तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। बोल का है? हुनैन, नो कम।